भारत में चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन से उसकी पेरेंट कंपनी बीजिंग बाइट डांस टेक्नोलॉजी पर रोजाना $5 लाख यानी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी में 250 से ज्यादा नौकरी खतरे में पड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कोर्ट फाइलिंग में खुद ये जानकारी दी है। टिकटॉक पर यूजर्स स्पेशल इफेक्ट के साथ अपने शॉर्ट वीडियोस तैयार और शेयर कर सकते हैं। इसकी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप में गिनती होती है। एनालिटिक फर्म सेंसर टावर के मुताबिक इसे भारत में अभी तक 30 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। वहीं दुनिया भर में इसके 100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट ने इसके डाउनलोड पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। इसके पीछे कोर्ट ने पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलने की वजह बताई थी। इसके बाद आईटी मिनिस्ट्री से मिले निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एप्पल इंक और अल्फाबेट के गूगल ने अपने इंडिया ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया था। इस कार्रवाई से बाइट डांस की भारत में ग्रोथ की योजनाओं को झटका लगा। बाइट डांस में जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप ने निवेश किया है। दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में शामिल बाइट डांस की वैल्यूएशन करीब 75 अरब डॉलर मानी जाती है। इस साल कंपनी की हांगकांग में लिस्टिंग की योजना है। टिकटॉक पर बैन के खिलाफ डेवलपर बाइट डांस ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। बाइट डांस ने याचिका में आग्रह किया है कि कोर्ट आईटी मिनिस्ट्री को बैन हटाने के लिए आदेश दे ताकि ये एक बार फिर से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो सके। कंपनी ने हर दिन 50 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला दिया है। कंपनी का कहना है कि इस बैन की वजह से एडवर्टाइजर और इन्वेस्टर दोनों के रेपुटेशन और गुडविल पर असर हो रहा है और उसे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाइट डांस का कहना है कि बैन की वजह से उसे हर दिन करीबन 10 लाख यूजर्स का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर टिकटॉक पर बैन से पेरेंट कंपनी बीजिंग बाइट डांस को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है।